हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट स्नैक्स की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और यकीन मानिए फ्रेंड्स कि ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इसे एक एयर टाइट बॉक्स में रखकर 1 महीने तक इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो इस स्नैक्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है करीब 1 कप मूंग की दाल, जिसको मैंने 5 से 6 बार अच्छे से वॉश कर दिया है पानी से, और उसके बाद इसे 3 से 4 घंटे तक भिगोकर रख दिया था। और भिगोने के बाद करीब 4 घंटे के बाद फिर से मैंने इसे 2 पानी से धो लिया है। और अब हम इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया और इसमें अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे करीब आधी चम्मच नमक, जिससे कि हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल जाए। और हम इसमें ऐड कर देंगे करीब 2 ग्लास पानी। उसके बाद हम इसे 2 से 3 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बॉइल्ड की हुई दाल का वीडियो शूट करना मुझसे छूट गया था, तो उसके लिए सॉरी। तो बॉइल्ड की हुई दाल को हम ठंडा कर लेंगे एक बाउल में निकाल कर, और उसमें हम डाल देंगे करीब 2.5 कप आटा, गेहूं का आटा। उसमें फिर हम डाल देंगे करीब 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच कलौंजी यानी कि मंगरेल, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग, और फाइनली हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक हम लोगों ने दाल में भी डाला था तो अंदाज से डालें। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे करीब 3 बड़े चम्मच तेल, उसके बाद हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो शुरू में आप यहाँ पर पानी बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि दाल में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पानी रहता है, तो कोशिश करें कि दाल से ही हमारा जो आटा है वो गूंथ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दाल से हमारा आटा इतना गूंथ चुका है, तो हमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल 1 चम्मच पानी लिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके आटे में पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा पानी ऐड कर लें, और अगर आपको लगता है कि आपका जो आटा है वो थोड़ा गीला हो गया तो उसमें गेहूं का आटा मिला लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेमी सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। तो इसमें हम ऑयल की कोटिंग कर देंगे, जिससे कि हमारा जो आटा है वो सूखे ना ऊपर से, यानी कि पपड़ी ना लगे उस पर। तो हम इसे ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। पंद्रह मिनट के बाद हम लोगों ने आटा जब चेक किया तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आटा बिल्कुल सेमी सॉफ्ट बना है। तो हम इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी बड़ी बड़ी लोई हम अलग करके रख लेंगे। सभी लोई को हम निकाल कर बाउल में रख देंगे और एक लोई को लेकर अच्छे से गोल कर लेंगे, और उसके बाद एक टिक्की का शेप बना लेंगे और रोटी की तरह बेल लेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे आटा, सूखा आटा, और उसमें ऐसे डिप करके और इसे अच्छे से बेल लेंगे। इसे हमें रोटी की तरह बेलना है, पर रोटी की तरह पतला नहीं करना है। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा मोटा रहेगा ये। ये देखिए फ्रेंड्स, इस थिकनेस का रहेगा ये, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो हम एक चाकू की हेल्प से इसे स्ट्रिप्स में काट लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो ये बीच वाला पोर्शन है बड़ा बड़ा, उस स्ट्रिप को हम बिट से इसको हाफ कर लेंगे। उसके बाद एक टुकड़ा उठाकर हम ऐसे ट्विस्ट करते हुए इसको स्नैक्स का रूप दे देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये देखिए, इसको ऐसे पकड़ के बस ट्विस्ट करना है और किनारे किनारे के पोर्शन को ऐसे हाथों से दबा प्रेस कर देना है। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हम सारे ट्विस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे ट्विस्ट बनकर हैं रेडी इस तरीके से। तब हम यहाँ पर चढ़ा देंगे कढ़ाई और उसमें डाल देंगे तेल, और जब हमारी तेल गर्म हो जाए तो हम एक एक करके सारे ट्विस्टी को फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई। तो आप ही कढ़ाई में जितना एक बार में आ जाए आप उतना ही फ्राई करें। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, फ्लेम को हाई ना करें। तो इस तरह से चलाते हुए, इसको पलटते हुए हम अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन तक सेक लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा ट्विस्टी है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है और देखने में ही लग रहा है कि ये कितना क्रिस्पी बना होगा। तो इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है, इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। तो इसी तरह से हम सारे ट्विस्टी के बैचेस को फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये रेडी है मूंग दाल से झटपट बनने वाली सुपर डिलीशियस मूंग दाल ट्विस्टी। तो आप इसे अपने शाम के चाय के साथ इसे ले सकती हैं, या फिर आप अपने बच्चों की छोटी छोटी भूख मिटाने के लिए इसे यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि ये मूंग दाल और गेहूं के आटे से बना है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। तो बिना झिझक के आप इसे अपने बच्चों को स्नैक्स के रूप में दे सकती हैं या कभी भी दे सकती हैं। आप खुद भी खा सकते हैं, अपने लोगों को भी खिला सकती हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्विस्टी तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप इसे टोमेटो केचप के साथ डिप करके खाएं या फिर इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करके खाएं, ये कैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।